हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे, क्योंकि मज़े में तो रहना ही है, बढ़िया से तो रहना ही है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जो जुड़ गए हो। तो अभी ठंड तो पड़ रही है रात में और सुबह में, लेकिन अभी हमारे यहाँ तो धूप काफ़ी तेज़ निकली है। आपके यहाँ कैसा निकला है ज़रूर से बताइएगा। चलिए आज भी कुछ बातें करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सब हम लोग सब सारा काम ख़त्म करके और इस टाइम में कुछ बैठ के हम लोग बातें करने लगते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आज का जो टॉपिक है वो है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी के बुरे समय में हंसना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर किसी का भी कभी भी बुरा समय चल रहा हो, तो अगर हमसे उनका कोई अगर मदद नहीं हो पाता है तो ठीक है, हम किनारे होके निकल जाए, लेकिन उस समय में उन पर हंसना नहीं चाहिए और ना ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए। क्योंकि जिस पे वो जो परिस्थिति पड़ती है उस समय तो वो झेल जाता है, लेकिन वो ये भी याद रखता है कि उसके कठिन समय में किसने उसका साथ दिया या कौन उसका मजाक उड़ाया। तो वो समय तो उसका भी पार हो ही जाता है, लेकिन ये जो बातें होती हैं ना, वो हमेशा ही याद रखता है वो आदमी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कभी किसी पे हंसना नहीं चाहिए, और क्योंकि समय का कभी कोई ठिकाना नहीं रहा है और क्या पता वो खुद पे भी पड़ जाए। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ से बचना चाहिए। और क्या ज़रूरत है किसी का, कोई अगर मुसीबत में पड़ा हुआ है तो उस टाइम में क्या ज़रूरत है उस पे हंसने की और उसकी खिल्ली उड़ाने की। ये सब बहुत ही गलत बातें होती हैं। तो आपका क्या विचार है? मेरा तो यही है कि नहीं हंसना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।